नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में हाई स्पीड ट्रेन्स का जाल बिछ रहा है, जिसे कि बुलेट ट्रेन के नाम से सामान्य भाषा में जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन की महत्वपूर्ण जानकारी में आपको बताएंगे कि वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन का क्या है प्रस्तावित रूट मैप, वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन किन शहरों से होकर के गुजरेगी, वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन की विशेषताएं क्या होंगी, क्या है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति, कहां पर हो रहा है बुलेट ट्रेन के नवीन मार्ग का सर्वे, वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कौन कंपनी जुड़ी हुई है तथा जानेंगे वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब तक होगा पूर्ण। तो मित्रों, यह सभी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल 8 मार्गों पर बुलेट ट्रेन को चलाया जाना है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिल्ली के पश्चात कोलकाता तक बुलेट ट्रेन की सेवा मिलेगी। अर्थात दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बुलेट ट्रेन भविष्य में चलेगी तथा पहले चरण में दिल्ली से वाराणसी पर कार्य होना है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही प्रदान किए हैं, तथा दूसरे चरण में वाराणसी से लेकर कोलकाता तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहा है एवं इसमें वाराणसी के मंडुआडीह की मुख्य भूमिका है, जहाँ से कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए एक अलग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अर्थात VHHSRC बुलेट ट्रेन परियोजना 787 नहीं अपितु 660 किलोमीटर की प्रस्तावित लंबाई की हाई स्पीड रेल लाइन है, जो वाराणसी को कोलकाता के हावड़ा से जोड़ेगी। वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन की विशेषताओं की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा, परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा एवं औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तथा इसका ट्रैक गेज स्टैंडर्ड गेज अर्थात 1435 मिलीमीटर की चौड़ाई की होगी बुलेट ट्रेन की पटरी। तथा ट्रेन क्षमता की बात करें तो वह होगी लगभग 750 यात्री प्रति बुलेट ट्रेन। अब यदि इस वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रस्तावित स्टेशनों की जानकारी दें तो आपको बता दें कि इसमें वाराणसी के अतिरिक्त बक्सर, आरा, पटना, बोधगया, बरही, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और हावड़ा में होंगे। ध्यान रहे कि इससे पहले की इस सूची में बिहार शरीफ नवादा नगर के नाम सम्मिलित थे, जिसमें कि अब परिवर्तन करते हुए बोधगया और बरही का नाम जोड़ा गया है। अर्थात यही इस वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन के रूट हैं जो कि अब प्रस्तावित हैं। यही नहीं, वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को प्रमुख एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे व ग्रीन फील्ड क्षेत्रों से चलाने की योजना है। अब यदि इस वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL ने वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सर्वेक्षण सहित अंतिम संरेखण तैयार करने के लिए 17,56,00,000 रुपए की अनुमानित लागत से एक टेंडर जारी किया था, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में सर्वे का कार्य झारखंड के बागोदर में चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सर्वे का दायित्व दिया गया है। निजी एजेंसी ने सर्वे का कार्य आरंभ कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात प्रोजेक्ट पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सर्वे की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के लोगों को भी बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जो कि धनबाद से होकर के चलेगी। केंद्र सरकार ने वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, जिसमें ये प्रस्ताव है कि इसे झारखंड के पथ से भी चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य के कई जिलों में सर्वे का कार्य चल रहा है। गिरिडीह के बगोदर क्षेत्र में यह काम पूरा हो गया है। अभी केंद्र सरकार के निर्देश पर धनबाद में सर्वे का काम बाकी है, जो कि किया जा रहा है। इससे लोगों में उत्साह का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे होने के पश्चात इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा तथा केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी। महत्वपूर्ण है कि झारखंड के पारसनाथ में विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देश विदेश से जैन धर्म के लोग आते हैं। बुलेट ट्रेन रूट के लिए नई पटरी पारसनाथ के आसपास से गुजरेगी। इसे ध्यान में रखकर भी सर्वे किया जा रहा है। पारसनाथ से बुलेट ट्रेन रूट को कनेक्ट करने पर रेलवे को विशेष यात्री मिल सकते हैं। ऐसे कहें तो इंडियन रेलवे वाराणसी से हावड़ा के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है, जो कि झारखंड से होकर की गुजरेगी। गिरिडीह जिला का बगोदर प्रखंड भी इसके अंतर्गत ही आता है।
इसके लिए नई रेल लाइन बिछाने को लेकर सर्वेक्षण का काम जोरों पर है एवं भूखंड के साथ ही प्रभावित होने वाले गांवों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सर्वे के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों ने बागोडर में नई रेल लाइन बिछाने के लिए इसकी लोकेशन, भूखंड की उपलब्धता, प्रभावित होने वाले गाँव और लाभान्वित होने वाले गाँवों को भी चिन्हित किया जा रहा है तथा गिरिडीह के पश्चात अब नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे का कार्य धनबाद में किया जा रहा है। यह भी बता दें कि इस रूट के लिए सर्वे का काम केवल एक ही एजेंसी को नहीं दिया गया है। ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, एलएन मालवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंसोर्टियम को भी इसका काम मिला है तथा यह संपूर्ण कार्य 150 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हावड़ा से वाराणसी तक वाया पटना होकर चलने वाली यह बुलेट ट्रेन धनबाद होकर के चलेगी। इससे न केवल हावड़ा से वाराणसी की दूरी कम होगी अपितु हावड़ा नई दिल्ली के बीच के ग्रैंड कार्ड लाइन और हावड़ा से जसडीह पटना होकर के गुजरी मेन लाइन का नया विकल्प भी तैयार हो जाएगा। बता दें कि वाराणसी से हावड़ा तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हाईवे के समानांतर होगा। कोलकाता से धनबाद होकर के राष्ट्रीय उच्च पथ के समानांतर कॉरिडोर बिछाने की योजना है जो बरही तक हाईवे के समानांतर होने के पश्चात आगे पटना और बक्सर होकर के वाराणसी तक जाएगा। अर्थात वाराणसी से बक्सर, पटना, बोधगया, बरही, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान और हावड़ा तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनकर के तैयार होगा तथा इन नगरों को होगा विशेष लाभ। यही नहीं, वर्तमान में हावड़ा से लेकर के पटना होकर के वाराणसी तक चलने वाली ट्रेनें जो अभी आसनसोल से जसडीह व झाझा होकर के चलती हैं, जिनमें की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ही राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनें भी सम्मिलित हैं। इस रूट से हावड़ा से वाराणसी तक की दूरी लगभग 762 किलोमीटर है, परंतु नवीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से यह दूरी 100 किलोमीटर तक घट करके 660 किलोमीटर की ही रह जाएगी। वर्तमान में मेन लाइन के रूट में धनबाद सम्मिलित नहीं है, परंतु बुलेट ट्रेन के रूट में धनबाद भी सम्मिलित होगा तथा गिरिडीह होकर के गुजरने वाली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का लाभ विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ को भी मिल जाएगा। हावड़ा से धनबाद और बोधगया होकर के प्रस्तावित कॉरिडोर पारसनाथ होकर के गुजरेगा। इससे भविष्य में पारसनाथ आने वाले यात्रियों को भी बुलेट ट्रेन का विकल्प मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि हावड़ा से नई दिल्ली के बीच वर्तमान समय में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना पर भी तेजी से कार्य हो रहा है। रेलवे अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को 160 की गति से चलाने के लिए प्रयासरत है। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो वर्ष 2024 तक इस मार्ग पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, जिससे कि 12 घंटे में हावड़ा से नई दिल्ली पहुंच सकेंगे। परंतु जब हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी तो 5.5 घंटे में ही यह दूरी तय होगी, जिसे कि अभी इस दूरी को तय करने में लगभग 17 घंटे लगते हैं। बता दें कि अब तक बुलेट ट्रेन के लिए कई स्टेशनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है तथा कॉरिडोर के संभावित रूट प्लान का अध्ययन करके इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल परियोजना के पूर्ण होने की संभावना वर्ष 2030 से पहले संभव नहीं है। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।